नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी क्या चीज़ है? इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट हम अगर डिफाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। सेकंड हमारे पास जो एक डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। दो तरह से मैंने डिफाइन किया वैलेंसी को, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये जो डेफिनेशन है फर्स्ट वाली, हमारे पास ये बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने एक बहुत ही आसान डेफिनेशन लिखी है जिसे हमें समझ भी आ जाएगी। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म, सिंपल इट इज़ कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। हमारे पास कोई भी एटम है, वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है, सिंबल हम उसको कहते हैं, ये उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप नंबर वन है, ग्रुप नंबर टू है, इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर थ्री, फोर, फाइव है, सिक्स, सेवन और हमारे पास एट है। जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर, ग्रुप वन, ग्रुप टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अब जो ग्रुप नंबर होता है, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दो चीज़ें किस किस को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास ग्रुप नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी को, और सेकंड हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब क्या है? ग्रुप नंबर वन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी वैलेंसी भी वन होगी, और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी वन होंगे। सेम इज़ द केस फॉर ग्रुप नंबर टू। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप नंबर टू में, उसके हमारे पास वैलेंसी भी टू होगी और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी टू होंगे। थ्री का भी यही केस है, फोर का भी यही केस है, सबका यही केस है। ग्रुप नंबर हमारे पास वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बात हो गई है फोर तक। अब फाइव के लिए क्या केस है हमारे पास? फाइव में ग्रुप नंबर फोर तक, वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसी बात हमारे पास आ जाती है ग्रुप नंबर फाइव से सिक्स, सेवन और एट, यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी की बात जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी ग्रुप नंबर फाइव है ना, और सिक्स है, सेवन है और एट है, इनकी वैलेंसी फाइव नहीं होती, सिक्स नहीं होती, सेवन नहीं होती और एट भी नहीं होती। ठीक है, एट की तो हम बात नहीं करते क्योंकि इनकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इनके ऑक्टेट और डुप्लेट रूट ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये नॉर्मल कंडीशंस पे, ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये बिल्कुल रिएक्शन करते ही नहीं है। सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। फाइव हमारे पास है, हम एक स्केल रखते हैं एट। एट मीन्स कोई भी एटम जो है, जब वो अपना आउटर मोस्ट शेल आठ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब देखें, हमारे पास जो ग्रुप नंबर फाइव है, सेवन है, सॉरी सिक्स है, हमारे पास सेवन है। अब इसके हमारे पास वैलेंसी कैसे बनती है? इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, दूसरी बात तो ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, अब इसने आठ पूरे करने हैं।
अब 8 पूरे करने के लिए इसको मजीद कितने रिक्वायर हैं, 3 इसको मजीद रिक्वायर है, ठीक हो गई बात। सो जब 3 रिक्वायर है तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है, इसकी वैलेंसी होती है 3। सेम इज द केस फॉर ग्रुप नंबर 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जबकि 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 2 मजीद रिक्वायर हैं। सो ग्रुप नंबर 6 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, उनकी वैलेंसी होती है 2। सेम इज द केस फॉर ग्रुप नंबर 7, इसके पास 7 है जबकि 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 1 रिक्वायर है, सो 1 इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप नंबर 7। नाउ ये तो बात हमारे पास हो गई है, अब एक बात और डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ई मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ये ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस रीज़न को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। ग्रुप नंबर 1 हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ग्रुप नंबर 3 हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जो हमारे पास 5, 6 और 7 है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते होते हैं। ग्रुप नंबर 5 जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 6 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और 7 वालों को 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कैसे है, ठीक है। वैलेंसी के साथ सारा कुछ रिलेटेड है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात। सपोज़ मेरे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 11। अब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, इट मींस कि इसके पास 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इट मींस कि इसके पास 11 नेगेटिव चार्जेस हैं। सो जब हमारे पास ये इक्वल होते हैं, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, एज अ होल हमारे पास जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन हमेशा मैंने बात की है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। अब ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। रीज़न ये है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक हो गई बात। अच्छा, जबकि इसको 8 चाहिए, एक इसके पास प्रेजेंट है, 8 इसको चाहिए। अब चूँकि एक प्रेजेंट है तो इसको 7 मजीद और रिक्वायरमेंट है, जबकि इसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसीलिए बजाय 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, वो बहुत मुश्किल काम है सोडियम के लिए, इतनी इसमें टेंडेंसी नहीं है, इतनी इसमें पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और से गेन कर सके। इसके लिए ये काम इजी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, अपने आप को स्टेबल कर दे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये शेल इसका ख़त्म हो जाता है और इनर शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीट हैं। सो हमारे पास ये रीज़न है इसकी। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन्स एक डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मींस के अब 11 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, 10 नेगेटिव चार्जेस हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डोमिनेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। सो हमारे पास सोडियम के ऊपर इसके रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए भी यही सिचुएशन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने 8 गेन करने होते हैं, सॉरी 6 और गेन करने हैं, इसको 8 की रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 इसके पास मौजूद हैं, इट मींस के 6 इसकी और भी रिक्वायरमेंट है। सो 6
इंस्टेड ऑफ गेनिंग के बहुत मुश्किल काम है 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इसके लिए। ये क्या काम करता है? मैग्नीशियम है हमारे पास इसकी एग्जांपल। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 है इसके पास, 8 इसने पूरे करने हैं। तो इसके जो इनर शेल है ना उसमें 8 पूरे हैं, जबकि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करना ये इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। सो ये सिंपल क्या काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट कर देते हैं और स्टेबल हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी रिक्वायरमेंट है, 3 इसके पास प्रेजेंट हैं, 5 की और भी रिक्वायरमेंट है। सो 5 ये गेन नहीं कर सकता, इसके पास एक ही सिचुएशन है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। 5, 6, 7 इसके पास 5 प्रेजेंट हैं, 8 इसने पूरे करने हैं। सो इसके लिए इजी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से भी एक्सेप्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले। 6 वाला भी यही सीन है, 6 इसके पास है, 8 इसको चाहिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी से इजीली पकड़ सकता है। 8, 7 वाला तो और भी इजीली पकड़ सकता है, इसके पास 7 है, 8 पूरे करने और 1 की रिक्वायरमेंट है इसकी। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी ये इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो अब आते हैं वापस वैलेंसी की तरफ, ये सारी बात हमारी हो गई है। हम बात करते हैं पहले ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7 के एक एग्जांपल की। मैंने कहा था कि ग्रुप नंबर 1 की जो हमारे पास वैलेंसी होगी वो हमेशा 1 होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 जो है या ग्रुप नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो वैलेंसी को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सेम इज द केस है यहाँ पे, मैंने कहा था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये बात तो ठीक है, लेकिन वैलेंसी की बात इस पर सही तरह फिट नहीं होती। इसको 8 इसको चाहिए, 7 इसके पास मौजूद हैं, 8 माइनस हमारे पास 1 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी भी क्या चीज़ है, 1 है। हम प्रूफ करते हैं कैसे। सोडियम है मेरे पास, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है मेरे पास, इसके ये ग्रुप नंबर 7 का है, ये ग्रुप नंबर 1 का है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने 8 पूरे करने हैं, इसने भी स्टेबल होना है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। क्लोरीन को डोनेट करने से हमारे पास सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब सिंगल बॉन्ड क्यों बनाए, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गई है, एक ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एक्सेप्टेंस से एक ही बॉन्ड बनता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म। यहाँ पे सोडियम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। सो एटम सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। क्लोरीन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए, क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, सो क्लोरीन की वैलेंसी भी हमारे पास 1 है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गई बात। हमारे पास एक कंपाउंड होता है मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, एक मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है। होता क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एंड सेकंड क्लोरीन। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 क्लोरीन के, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गई बात। अब इसको एक की रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है। रिजल्ट में हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हुए। क्लोरीन हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, इसने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। सो हमारे पास रिजल्ट में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाता है, मैग्नीशियम के डबल बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन से मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड बनेंगे। क्लोरीन का इसका एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, इस क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, 1 एंड 2 बॉन्ड्स बनाए हुए। सो हमारे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, 2 हो जाएगी, और ये ग्रुप नंबर 2 से भी बिलोंग करता है। क्लोरीन की अगेन वैलेंसी, एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, सो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1, हमारे पास इस क्लोरीन की भी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक हो गई बात।
नेक्स्ट हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं H2O में, ठीक है। H2O में हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गई बात। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी मजीद रिक्वायरमेंट है। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कर लेते हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। अब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 और 2। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई है, 2 हो गई है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई है, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। इस हाइड्रोजन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप नंबर 4 की बात नहीं की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जो 5, 6 और 7 है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएंगे, इस वजह से इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। जबकि ग्रुप नंबर 4 के जो हमारे पास एलिमेंट्स है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसको रिक्वायरमेंट होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब चूंकि 8 की रिक्वायरमेंट है, 4 इसके पास प्रेजेंट है, इट मींस कि इसका आउटर मोस्ट शेल हाफ फील्ड तो है, इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत कम भी हैं। बहुत ज़्यादा किस सेंस में है, क्योंकि ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो, उसकी मींस कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश हो। बात क्लियर हो गई है, इसलिए ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। दूसरा रीज़न ये कि कार्बन है हमारे पास, सपोज मैं कार्बन की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। अब कार्बन के पास अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज़्यादा है, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। क्योंकि ये पहली रीज़न तो ये कि पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। दूसरा रीज़न ये कि अगर कार्बन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो पीछे इसके पास रह के आ जाते हैं, ठीक हो गई बात। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम भी हैं, बहुत कम इस सेंस में है क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में इतनी पावर नहीं है, इतनी टेंडेंसी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स को और अपने साथ अट्रैक्ट करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। इसके पास एक ही सिचुएशन है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की। सो ग्रुप नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे CH4 है हमारे पास, मीथेन गैस है, ठीक है। इसमें हमारे पास होता क्या है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास हाइड्रोजन शेयर कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, ठीक हो गई बात। अब ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का अपना, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। अब ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का भी काम चलता है और हाइड्रोजन का भी काम चलता रहता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। सो ग्रुप नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट्स हमेशा हमारे पास होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, 1, 2, 3, 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी हमेशा हमारे पास क्या हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे और उनकी वैलेंसी हमेशा हमारे पास क्या होगी, 4 आएगी, ठीक हो गई बात। और एक बात और हमारे पास है, ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स हैं ये चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसलिए हमेशा ये भी बात याद रखें कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं किसी और के साथ। जबकि 1, 2, 3
और 5, 6, 7 ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 5, 6, 7 ये एक्सेप्ट करते हैं और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गई बात, ये तो यहाँ पे कुछ हो गई ये बातें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमारे पास ग्रुप हैं उनकी वैलेंसी की, कि हमारे पास एक एलिमेंट है वो कुछ कंपाउंड्स में कोई वैलेंसी शो करता है, कुछ कंपाउंड में कुछ और वैलेंसी शो करता है, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन या एक्सेप्टेंस पे। सपोज मेरे पास है, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, फेरिस सल्फेट FeSO4। अब इस कंपाउंड में जो फेरिस की वैलेंसी है ना वो हमारे पास है 2। अब मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, हमारे पास है वो फेरिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल हमारे पास 3। इसमें जो फेरिक की जो हमारे पास आयरन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास है 3। अब इसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, एक ही एलिमेंट है, कुछ कंपाउंड में इसकी वैलेंसी क्या है कुछ और है, दूसरे कंपाउंड में इसकी वैलेंसी क्या चीज़ है वो और है, वो डिपेंड करता है कंपाउंड पे और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन पे या एक्सेप्टेंस पे, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने पे डिपेंड करता है। अब अगर हम FeSO4 इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फेरिस सल्फेट का जो स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक सल्फर है और हमारे पास एक ही आयरन है, तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड पे अटैच है सल्फर के साथ, जो दूसरा ऑक्सीजन है हमारे पास वो भी डबल बॉन्ड पे अटैच है किसके साथ, सल्फर के साथ। इसी तरह हमारे पास सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ये हो गए और हमारे पास जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गया और 6वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो गया। इसमें ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो हमारे पास हो गए, जो हमारे पास है तीसरा ऑक्सीजन एंड हमारे पास चौथा ऑक्सीजन। ठीक हो गई बात। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 हमारे पास लॉन पेयर्स हैं और 2 हमारे पास अनपेयर हैं, ये 2 अनपेयर हमारे पास इसने यहाँ पे अटैच कर लिए, इसने शेयर कर लिए, इसके लिए भी यही केस है, इसका भी काम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर लिए, इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 हमारे पास अनपेयर है, एक अनपेयर तो शेयर हो गया लेकिन एक अनपेयर अभी भी रहता है, वो इसने और शेयर करना है। सेम इज द केस है, इसके पास भी एक अनपेयर तो शेयर हो गया लेकिन एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रहता है। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, 1, 2, 3, 4 और एक सल्फर है, अब आयरन जो है वो रहता है हमारे पास। अब आयरन क्या काम करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ये किसको डोनेट कर देता है, एक ऑक्सीजन को दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये किसको देता है, ये इस ऑक्सीजन को दे देता है। अब हमारे पास देखें ज़रा, आयरन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 और 2, सो फेरिस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी क्या है, 2 है, सो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड एटम कैन फॉर्म सिंपल इट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। आयरन ने 1, 2 बॉन्ड्स बनाए हुए, सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, 2 हो गई है। इसी तरह फेरिस सल्फेट में, फेरस सल्फेट भी इसकी वैलेंसी है 3। हम फेरस सल्फेट के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा देख लेते हैं, Fe2SO4 और होल हमारे पास 3, 2 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, जबकि ये जो 3 है ना ये रिप्रेजेंट करता है सल्फर को। ठीक हो गई बात, सल्फर हमारे पास क्या चीज है, अच्छा सॉरी ये काम हम कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास है सल्फर, वही स्ट्रक्चर है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, अच्छा हमारे पास है ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन हमारे पास ये है, ठीक हो गई बात। दूसरा हमारे पास जो सल्फर है, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन है, साथ हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक हो गई बात। हमारे पास इसी तरह सल्फर,
ठीक है, हमारे पास इसी तरह ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब हमारे पास आयरन जो है, आयरन हमारे पास है टू, दो आयरन्स है हमारे पास, ठीक हो गई बात। अब दो आयरन्स है हमारे पास, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करने हैं। अब कैसे डोनेट करेंगे, इसमें जो हमारे पास वैलेंसी है वो हमारे पास वैलेंसी है थ्री, क्यों, इसमें आयरन तीन बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो आयरन है, अब देखें Fe2SO4, थ्री तीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब देखें हमारे पास आयरन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इस ऑक्सीजन को। दूसरा जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो किसको, इस ऑक्सीजन को। तीसरा अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारे पास इस ऑक्सीजन को। सो बात क्लियर हो गई, हमारे पास दो आयरन है, वन टू सल्फर है हमारे पास, ठीक है, और चार हमारे पास ऑक्सीजन है। बात क्लियर हो गई। ये जो मेरे पास एक आयरन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को, जबकि दूसरा जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमेनिंग आता है वो डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को। सो यहाँ पे हमारे पास आयरन ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हुए, वन टू थ्री, ठीक हो गई बात। सो इस कंपाउंड में हमारे पास जो वैलेंसी आती है वो हमारे पास बनती है, आयरन ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हुए, थ्री, वन टू एंड थ्री। अब चूँकि आयरन ने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थ्री बनाए हुए, सो इसकी वैलेंसी क्या बनती है, इसकी वैलेंसी बन जाती है थ्री। बात क्लियर हो गई, ये सारा कुछ हमारे पास है वैलेंसी के बारे में, और वैलेंसी का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमारे पास वैलेंसी की एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमने फेरस सल्फेट की एग्जांपल ली थी जिसमें हमारे पास वैलेंसी आती थी टू, आयरन की जो हमारे पास वैलेंसी होती थी वो होती थी टू। अब हमारे पास फेरिक सल्फेट एक मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें जो आयरन की वैलेंसी है वो आएगी थ्री। अब कैसे आएगी वैलेंसी थ्री, हमारे पास जो है SO4 होल थ्री, मीन्स के हमारे पास जो सल्फेट है ना इसके तीन मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने लिखे हुए ऑलरेडी SO4, एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है SO4, ये मेरे पास दूसरा है SO4, ये मेरे पास तीसरा है, जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास है टू, Fe हमारे पास टू। अब आयरन में हमारे पास इस केस में वैलेंसी आएगी थ्री, कैसे आएगी देखें ज़रा। हमारे पास ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर है, जबकि एक अनपेयर इसका स्टिल रिमेनिंग है, सबके लिए यही केस है। लोन पेयर है, दो अनपेयर है, एक अनपेयर इधर शेयर हो गया, एक अनपेयर इधर हमारे पास स्टिल रिमेनिंग है, दो लोन पेयर है, एक अनपेयर इधर शेयर हो गया, एक अनपेयर इधर है, सबके लिए हमारे पास यही केस है, ठीक हो गई बात। अब आयरन ने क्या करना है, आयरन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देना है ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देना है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देना है। इस आयरन ने क्या काम करना है, इस आयरन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देना है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। सो वैलेंसी हमारे पास थ्री आएगी। व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है, इसको हम सिंपल कहते हैं वैलेंसी। सो यहाँ पे आयरन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, वन टू एंड थ्री, सो इसकी सिंपल वैलेंसी क्या हो गई है, थ्री। लेकिन किस में, फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट में उसकी वैलेंसी टू थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस आयरन का भी सेम केस है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, वन टू एंड थ्री, सो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो गई है, इसकी भी वैलेंसी थ्री हो गई है। सो ये वैलेंसी का हमारा टॉपिक कंप्लीट।